झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे सबसे पहले कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर आज कहां पे कमाई के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी की कीमतों में देख रहे हैं कि आज कुछ हल्का सा कल के मुकाबले उछाल देखने को मिला है। सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है आज उसके अंदर एक हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, हल्की सी तेजी आई, इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि आज गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1937 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की बढ़त है। वहीं चांदी भी $25.5 के आसपास ट्रेड कर रही है, लगभग पौने एक फीसदी की बढ़त है। देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन निचले स्तर से कुछ खरीदारी लौटी है, एक हल्की सी तेजी देखने को मिली है। बात करें यहां से अगर आप कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $112 पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 पर, दोनों में ही 2-2% की बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। कच्चे तेल में देख रहे हैं कल के मुकाबले यहां से अभी और बढ़त देखने को मिल रही है और आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब यहां से कच्चा तेल आगे बढ़ेगा या फिर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली रहेगी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में कल के मुकाबले आज कुछ और इजाफा देखने को मिला है, वहीं भारत में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल और नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ से अभी और तेजी की ओर जाएगा? देखिए, अभी कच्चे तेल के अंदर फिलहाल तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी जो है बाजारों के अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में बना रह सकता है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और टेक्निकली अगर देखें तो एक बार फिर से कच्चा तेल $100 के ऊपर लगातार सस्टेन है। इनफैक्ट आज $112 के आसपास हम इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ से $120 से लेकर $140 तक फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में भी अभी भी कच्चे तेल के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से कच्चे तेल में आपने बताया है कि अभी $120 से $140 तक कच्चा तेल ऊपर में देखने को मिल सकता है, वहीं आज से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस हिसाब से कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे अभी जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा हो सकता है। आपके मुताबिक अगर कच्चे तेल में तेजी बनी रहती है, कायम रहती है, तो क्या पेट्रोल डीजल की भी जो कीमतें हैं ये दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही रहेंगी? देखिए बिल्कुल, अगर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है तो उसका असर सीधा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है और हमने देखा है कि काफी लंबे टाइम के बाद जो है अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। डीजल भी 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल की कीमतें भी 80 पैसे के आसपास जो है बढ़ चुकी है और अभी प्राइसेस जो है हमने पीछे देखा था कि पिछले साल नवंबर में पेट्रोल के दाम काफी स्थिर रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं और आगे अभी एक्सपेक्टेड है कि ये तेजी जो है वो बनी रह सकती है और आगे चलकर पेट्रोल और ज्यादा महंगा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर कहीं से कोई गिरावट नहीं आती तो उसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। रूस और यूक्रेन के चलते तनाव के चलते एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल $140-$150 तक फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये रूपा जी, बात करें अगर आप बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं जब से चाइना में कोरोना वायरस का फिर से केसेस देखने को मिले हैं ज़्यादा और लॉकडाउन लगा है, तब से देख रहे हैं कि बेस मेटल्स की कीमतों पर भी एक दबाव बना है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बेस मेटल्स में अब ये जो मिला जुला सा रुझान है, तो क्या यहाँ से अभी भी जो ट्रेंड है आगे जाके पॉजिटिव बन पाएगा या फिर जो बेस मेटल्स का बाजार है वो ऐसे ही मिले जुले रुझान के साथ कारोबार करता रहेगा? देखिए अभी फिलहाल बेस मेटल में मिला जुला रुझान ही है और अभी इनफैक्ट जो प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा करेक्शन जोन में है और ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली बनी हुई है, चाहे वो कॉपर हो या फिर निकल हो।
कमी ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव जो है एक्सपेक्टेड है कि वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। और अभी कॉपर की भी अगर रेंज देखें तो 780 से लेकर 820 की फिलहाल कॉपर की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि बाजार एक सीमित दायरे में रह सकता है। अभी इन स्तरों पर बाइंग रिस्की है, थोड़ा सा डिप आए तो वहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग किया जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में देख रहे हैं आज कुछ हल्की सी बढ़त है, बेस मेटल्स को अगर छोड़ दें तो ऐसे में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी नॉन एग्री के बाजार से? देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि सोना और चांदी अभी भी अच्छा बेहतरीन रिटर्न की तरफ जा सकते हैं। चांदी एक बार फिर से 70,000 का स्तर छू सकती है, तो वहीं सोने की बात करें तो 52,000, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि एक बार गोल्ड जो है वो 52,000 तक ऊपर हमें डोमेस्टिक मार्केट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और कल के मुकाबले आज तेजी है और अभी एक्सपेक्टेड है कि आज इंट्राडे में भी 52,000 तक की तेजी बन सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।